पहले तो हम कभी ऐसा नहीं सुनते थे. अब आजकल एक ट्रेंड चल गया है, हर दूसरा खिलाड़ी कहता है मैं इस नंबर पे खेलना चाहता हूँ, मैं इस नंबर पे खेलना चाहता हूँ, मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, मैं वहाँ खुश नहीं हूँ. ऊपर रन आसानी से हो जाते हैं, नीचे रन मुश्किल से होते हैं. बाबर भी ये बात कह रहे हैं कि मैं तीसरे पे आ गया था लेकिन मैं खुश, मैं मुतमईन नहीं था. देखो इस स्टेटमेंट से पहले आपको याद होगा रिजवान ने भी ये बात बोली थी कि मुझे भी नंबर तीन के लिए अप्रोच किया गया था, मैंने बोला नहीं और बाबर भाई मांग गए. तो बाबर ने जो बात बोली कि बीइंग अ पाकिस्तान के मतलब उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी और जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने अप्रोच करा कि आप नंबर तीन पे खेलें, उस वजह से वो नंबर तीन पे आया. उसने परफॉर्म करा, ये नहीं न्यूजीलैंड में उसने मेरे ख्याल 250 करे जी. मुझे तो लगता है नंबर तीन परफेक्ट है उनके लिए. हाँ लेकिन देखें जो ओपनिंग मतलब T20 में हैज ए ओपनर बैटर बना हुआ है और परफॉर्म कर रहा है, वो कैसे जाएगा मैं तीन पे आ जाऊँ. अगर सपोज मैं आपको मिसाल देता हूँ 6 ओवर दोनों ओपनर आउट ना हो तो नंबर तीन का फायदा नहीं है ना. लेकिन जो प्ले जो खेलने का स्टाइल है बाबर का वो सूट करता है ओपन क्योंकि वो टाइमर है. नहीं लेकिन जब हम वर्ल्ड कप में इन डिस्कशंस पे आते थे तो बहुत सारे लोग ये बात करते थे, आप भी ये कहते थे वर्ल्ड कप 50 ओवर नहीं T20 की बात कर रहा हूँ. देखें लेकिन ये कहते थे ना कि ये बेटर चॉइस हो सकती है यहाँ ओपनिंग की जो तेज खेलते हो. अब साइम जब आया ना, साइम आया या और कोई ओपनर ऐसा आया, उस्मान तो हमारे मुल्क का अब नहीं रहा, तो लोगों की सोच बदली और उसने अपने दोनों ने स्ट्राइक रेट अच्छे करे. अगर पिछले बाबर आजम को आप स्ट्राइक रेट देखें 128-129 था, अभी देखें 140+ होगा. तो इसका मतलब उसने अपना घेर बदला है. ठीक है, जो पाकिस्तान के लिए फायदेमंद. अच्छा रिजवान के साथ ओपनिंग अच्छी है कि बाबर के साथ ओपनिंग अच्छी है? मेरे ख्याल कामरान के लिए. कामरान से पूछ, कामरान सुपरस्टार के लिए तो कहीं भी ओपनिंग. मेरा ये है कि जबरदस्ती आप किसी का नंबर ना चेंज करें. अगर एक नंबर पे सेटल है, मैं खुद कहता हूं कि नंबर तीन पे नहीं आना चाहिए. T20 में उसने रन्स बहुत ज़्यादा किए हुए हैं एज ए ओपनर रिजवान और बाबर की. आप अगर आपने नंबर तीन पे खिलाना, इससे अच्छा आप रेस्ट करवा दें, किसी दूसरे यंगस्टर को खिला दें. ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए था, मेरी ओपिनियन ये थी. बाकी टीम मैनेजमेंट का फैसला, उन्होंने खिलाया लेकिन उसने जो कहा कि मैंने पाकिस्तान के लिए नंबर तीन पे आया हूँ. लेकिन अगर आप पर्सनली मुझसे पूछे तो मैं खुश नहीं था नंबर तीन पे खेलने का. तो ये अब चलता हुआ आ रहा है, सब कहते जा रहे हैं. मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये बातें प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में करने वाली हैं क्या आपके ख्याल में सारे प्लेयर्स जो कर रहे हैं? मेरे ख्याल से नहीं करने वाली. अगर सवाल हुआ होगा, सवाल हुआ है लेकिन जवाब हुआ है ना. नहीं नहीं जवाब देना मेरा राइट है ना. मैं आई कैन डॉज द बुलेट, बट जब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इफ ही सेड नो कमेंट्स तो फिर और इशू उठता. नहीं लेकिन ये है कि आप ये बात अगर बाबर जैसा प्लेयर्स तो चेयरमैन से भी कर सकता है. परफॉर्मेंस इतनी बड़ी है, प्लेयर भी बहुत बड़ा है, एक बंद कमरे में बैठ के बात कर ले तो वो ज्यादा अच्छा. इससे पहले रिजवान ने भी किया और भी प्लेयरों ने काफी बातें की. ऐसी चीजें नहीं होने, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए.